बिरला में एक पुराने टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं कि ये जो इतने दिन का गैप रहा उसका कारण क्या था। उसका कारण था कि अभी तक जो आपको वीडियोस हमारे मिल रहे थे उनकी पिक्चर क्वालिटी में कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी लग रही थी। जब मैंने पलट के देखा तो मुझे भी लगा कि ब्राइटनेस कुछ कम है, तो इस पीरियड में हम लोग उसी पे काम कर रहे थे। इसी वजह से फिजिक्स के सेशंस आना थोड़ा सा रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल जो एडिटिंग करता हूँ वो मैं ही करता हूँ, ठीक है। बट अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है और अब आपके पास रेगुलर बेसिस पे फिजिक्स के भी सेशंस आते रहेंगे, जैसे कि मैम केमिस्ट्री के सेशंस रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो सेशन को लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पुराना टॉपिक इसलिए क्योंकि इससे पहले भी हम लोग इसको वर्क एंड फोर्स वाले सेशन में एक बार टेकअप कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मेरा जो मतलब है लेने का इस टॉपिक को दोबारा से, उसका कारण आपको लास्ट तक में समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ सेशन को पूरा फॉलो करें। तो फोर्स की डेफिनेशन जैसा पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पुश एंड पुल इज़ कॉल्ड द फोर्स, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, बट सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है। बॉडी में अगर डिफॉर्मिटी आती है, डिफॉर्मिटी के लिए हम दोनों दो चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक। डिफॉर्मिटी मतलब उसकी अगर शेप की बात करें तो शेप चेंज हो जाएगी, साइज़ चेंज हो जाएगा, या दोनों ही चेंज हो सकते हैं, राइट। दोनों चेंज होने में भी डिफॉर्मिटी आती, कोई एक चीज़ चेंज होने पे भी डिफॉर्मिटी आती। पुश करेंगे किसी बॉडी को तो भी वो फोर्स होगा, पुल करेंगे तो भी फोर्स होगा, शेप चेंज करने के लिए करेंगे तो भी वो फोर्स होगा। ये डिफॉर्मिटी किसी भी चीज़ के लिए, अगर उसके किसी भी चीज़ में चेंज आता है तो वो फोर्स की वजह से ही होगा, राइट। यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्स के टाइप्स की। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ब्रॉडर सेंस, ठीक है। उसके बाद फर्दर बहुत सारे फोर्सेस डिवाइड होते हैं, बट यहाँ अभी जैसे स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सिर्फ हम लोग दो तरीके के फोर्सेस की बात करेंगे, जिसमें पहला फोर्स है नेचुरल फोर्स। नेचुरल मीन्स जो इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको हमें कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कोई भी फोर्स लाने की बाहर से ज़रूरत नहीं है, जो कि बेसिकली हमारे सिस्टम में इटसेल्फ होगा, जो प्रेजेंट होगा। सिस्टम, अब एक नया टर्म आ गया आपके लिए सिस्टम, ठीक। सिस्टम मीन्स वो पार्ट ऑफ द सराउंडिंग जो हमारे ऑब्जर्वेशन में हो, ठीक है। हमारे आसपास अगल बगल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ सिस्टम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ब्लॉक की बात करते हैं और एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है, तो इस समय सिर्फ ये इतना ही हमारा सिस्टम है, ठीक। इसके अलावा बाकी इसके बगल में पेड़ लगा है, घास है, हवा चल रही है, कुछ भी है, कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, हमारा ये कैरेक्टर चिंटू खड़ा हुआ है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, सिस्टम के बाहर है। इस समय सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, ठीक। सो नेचुरल फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं तो सिस्टम में इटसेल्फ जनरेटेड होते हैं। एक एक वेरी कॉमन फोर्स है जो आप सब जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बॉल को यहाँ से हाइट, इसको अगर हम थ्रो करेंगे तो ये यहाँ कहीं किसी एक पर्टिकुलर हाइट एच पर जाके ये यहाँ पे रुकेगा फॉर द मोमेंट, और उसके बाद ये वापस, ये बॉल वापस यहाँ पर आ जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे फर्दर सेशंस में। नंबर टू, मैग्नेटिक फोर्स। सब जानते हैं मैग्नेट होता है, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। अगर दो पोल्स नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ लाएंगे तो वो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। नॉर्थ साउथ लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, यानी सेम पोल्स। अगर जैसे मैंने अब एग्जांपल लिया नॉर्थ नॉर्थ, अगर इसे देखें साउथ साउथ को सामने लाएंगे तो वो भी एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, राइट। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप एक छोटा सा पेपर लीजिए और उसके भी फर्दर छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे, और एक कॉम्ब लीजिए जिससे आप बाल काटते हो, ठीक। इसको अपने बालों में काढ़ो, बाल काढ़ो इससे, और उसके बाद थोड़ा सा बालों में रगड़ो, और इन छोटे छोटे पीसेस के पास जब आप लेके जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि ये पीसेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। चौथा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन। इसी सिस्टम की बात करते हैं जिसको अभी हमने यहाँ कंसिडर किया था, इंक चेंज कर लेते हैं, इस वाले सिस्टम की। जैसे मैंने कहा था कि एक ब्लॉक है, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा अभी मैंने बताया था, नंबर वन पे ग्रेविटी एम जी, ब्लॉक का मास एम है, जी फॉर एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा डाउनवर्ड रहता है। अब ये बॉडी अगर रेस्ट पर है, इस पर कोई मोशन नहीं है, तो इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो एन से डिनोट किया जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, राइट।
इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा फिर से मुझे इनको, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे वो कलर नहीं दिख रहा है। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाई एन एंड इट इज़ ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये बॉडी बैलेंस है, रेस्ट पर है, राइट। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आने का ही रीज़न था मेरा कि मैं ये सेशन लूँ, क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फोर्स, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे नेचुरल फोर्स और एक आर्टिफिशियल फोर्स, आर्टिफिशियल फोर्स के लिए आप एक बार जो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का सेशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी हम लोग देख चुके हैं। इन दोनों केसेस में मैंने आपको एक्सटर्नल फोर्स बताया था। एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने में। अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो मोशन में लाना होगा, एंड इवन द अगर वो मोशन में है तो रेस्ट पर लाना होगा, वाइस वर्सा कंडीशन। बट कई जगह मैंने ये सुना है कि यहाँ पर एक इस टाइप का एक टर्म भी यूज़ कर लेते हैं, अनबैलेंस फोर्स। अब मुझे इसमें कोई खास नई चीज़ नहीं लगी, बट ये आपके कंफ्यूजन की चीज़ हो सकती है, कहीं पे कंफ्यूज हो सकते हो आप कि एक अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। तो मैं उसी की वजह से ये सेशन लेकर आया हूँ और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स जैसा अभी मैंने हमने पीछे वाले पार्ट में देखा, एम जी नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, राइट। थोड़ा सा इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, ये राइटिंग में भी थोड़ा सा और बेटरमेंट आ जाएगा, आप लोग चैनल पे बने रहें, ठीक है। बॉडी रेस्ट पर है, अब एक फोर्स यहाँ से फॉर एग्जांपल एफ लगाते हैं, ठीक, बॉडी मूव नहीं करती है ये फोर्स, बट ऑब्वियस है कि ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक आर्टिफिशियल फोर्स है जो हमने बाहर से लगाया है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी की भी हेल्प से। हो सकता है ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है चिंटू, इसने लगाया हो, या कैसे भी किसी भी तरीके से फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। इंक फिर मैं चेंज करूँगा यहाँ पर, ये एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, ठीक। अब अगर ये बॉडी रेस्ट के रेस्ट पर ही है तो हमारा पर्पस तो डिफीट हो जाता है इनर्शिया के बारे में डिस्कस करने का या फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करने का। सो इसका मतलब ये रेस्ट पर कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक और सिस्टम जनरेटेड फोर्स होगा जो नेचुरल फोर्स होगा, जिसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, फ्रिक्शन। अगर ये कैपिटल एफ लेस देन स्मॉल एफ है, यानी एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स, तो ये बॉडी का मोशन चेंज ही नहीं होगा, ना न्यूटन फर्स्ट लॉ काम करेगा, ना इनर्शिया काम करेगी। दो एग्जांपल्स मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सेशन हम लोग देख चुके हैं। बट हमारा जो यहाँ पे मोटिव है वो है इनर्शिया को एक्शन में लेकर आना, इनर्शिया के बारे में समझना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में समझना। तो बट ऑब्वियस है कि हमारा जो ये कैपिटल एफ होगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल एफ, यानी एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से हर हाल में ज़्यादा होगा, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। तो जब एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे अनबैलेंस जैसा टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ये लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आप ये नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ आज का सेशन इस बात पर बेस्ड था कि एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स या दोनों में से कोई एक, दोनों तो बिल्कुल नहीं लिखने, और मेरे हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स है। क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं या इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एफ, एंड हेंस द इफेक्टिव फोर्स। अगर हम इस इफेक्टिव फोर्स की बात करें, यानी कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, तो ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव, एफ इफेक्टिव, और यही एक अनबैलेंस फोर्स है, ठीक। तो ये होना ही चाहिए, बट इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अनबैलेंस बताओ, ठीक है। आज का मेरा सेशन यहीं पे ओवर होता है, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।